हाय एवरीवन, मेरा नाम अवनीश, आपका अपने चैनल अवनीश एक्स वाई जेड में स्वागत है। जैसा मैंने आप सभी लोगों से कहा था कि जैसे ही हमारे पास अवध विश्वविद्यालय अयोध्या द्वारा बीए बीएससी बीकॉम सेमेस्टर एग्जाम की कॉपी आ जाएगी, मैं आप सभी लोगों को उस कॉपी को दिखा दूंगा। और उस कॉपी में आप सभी लोगों को रोल नंबर कैसे फिल करना है और कॉपी कैसे लिखना है, और आप सभी लोग जब एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो किस प्रकार से आप सभी लोगों को क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उस क्वेश्चन पेपर में से आप सभी लोगों को कितने सेक्शन में से कितने क्वेश्चन करने होंगे, और साथ ही कॉपी का फ्रंट पेज भरते हुए कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट को जानकारी ना होने के कारण कर जाते हैं, तो उन्हीं गलतियों को आप सभी लोगों को नहीं दोहराना है। चलिए मैं आप सभी लोगों को कॉपी दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो है आप सभी लोगों को कुछ इस प्रकार से कॉपियाँ मिलेंगी। आप सभी लोग सबसे पहले यहाँ पर पार्ट वन देख सकते हैं। यहाँ पर पार्ट वन में आप सभी लोगों को रोल नंबर फिल करना होगा। यहाँ पर आप सभी लोगों का जो एडमिट कार्ड होगा, यहाँ पर आपका जो रोल नंबर दिया होगा इसको यहाँ पर फिल करना है। चलिए मैं यहाँ पर फिल करता हूँ, जिसे यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप सभी लोगों ने जो ये लिखा हुआ है उसको यहाँ पर आप सभी लोगों को गोला करना है, तो यहाँ पर सावधानी पूर्वक आप सभी लोग गोला करिएगा। यहाँ पर गोला आपको कुछ इस प्रकार से करना है कि इसके बाहर ना जाए, इसके अंदर ही रहे। आप सभी लोग काम करेंगे, यहाँ पर रोल नंबर फिल करेंगे, उसके बाद यहाँ पर जो अंक लिखा हो उसी बॉक्स में, जैसे यहाँ पर 9 लिखा हुआ है तो यहाँ पर पहले डॉट बना लेंगे सभी में। उसके बाद आप सभी लोग जब भरना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर आप सभी लोग का रोल नंबर जो यहाँ पर गोला करना है ये नहीं गलत होगा, क्योंकि इसमें जो है आपका रोल नंबर ही फिल होगा, उसके बाद आपका नाम नहीं लिखा जाए, केवल आपका सिग्नेचर ही होगा। चलिए मैं आप सभी लोग को सिग्नेचर भी दिखा दूंगा अभी। उसके बाद आप सभी लोग यहाँ देख सकते हैं अनुक्रमांक शब्दों में जो दिया हुआ है यहाँ पर, ये आप सभी लोग फिल करेंगे। ये जो रोल नंबर दिया हुआ है इनवर्ड यहाँ पर, इसको आप सभी लोग यहाँ पर फिल करेंगे। चलिए मैं फिल करने के बाद आप सभी लोग को दिखाता हूँ। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आप सभी लोग को अनुक्रमांक शब्दों में भी फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर आप सभी लोगों का जो एग्ज़ाम होगा फर्स्ट पाली या सेकंड पाली, उसके बाद जो सिलेक्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पर ऊपर लिख भी देंगे। उसके बाद आपका महाविद्यालय का कोड और परीक्षा केंद्र का कोड फिल होगा। यहाँ पर आप सभी लोग का जो एडमिट कार्ड रहेगा उसके ऊपर जो है यहाँ पर आपके महाविद्यालय का कोड रहेगा, यहाँ पर देख सकते हैं कॉलेज नेम। उसके बाद यहाँ पर सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, ये जो है परीक्षा केंद्र का कोड रहेगा। तो यहाँ पर चलिए मैं फिल करने के बाद आप सभी लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर महाविद्यालय का कोड रहेगा, तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं महाविद्यालय का कोड। उसके बाद यहाँ पर भी आप सभी लोगों को गोला करना है इसको। उसके बाद यहाँ पर आप सभी लोग परीक्षा केंद्र का कोड फिल करेंगे, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन कोड जो दिया हुआ है इसको फिल करेंगे। यहाँ पर आप सभी लोग से पाठ्यक्रम का वर्ष पूछा जाएगा। आप सभी लोग अगर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर पाठ्यक्रम का वर्ष में फर्स्ट फिल करेंगे, सेमेस्टर में फर्स्ट फिल करेंगे, परीक्षार्थी का स्टेटस, इसमें आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो रहेगा आप सभी लोग का रेगुलर रहेगा, यहाँ पर स्टूडेंट टाइप, यहाँ पर आप सभी लोग के जो एडमिट कार्ड है उस पर दिया होगा। यहाँ पर रेगुलर पर गोला करने के बाद यहाँ पर ऊपर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है ये नई कॉपी जो आई है 2023-24 में, इसमें आप सभी लोगों का जो है यूआईएन नंबर का सेक्शन बढ़ा दिया गया, तो यहाँ पर आपका यूआईएन नंबर भी जो है आपके एडमिट कार्ड पर दिया होगा, इसको फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप सभी लोगों से क्लास पूछा जाएगा, तो यहाँ पर अगर बीए है तो बीए या फिर बीएससी जो भी हो आप सभी लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर विषय में आप सभी लोगों का जो भी पेपर हो यहाँ पर सब्जेक्ट चूज करेंगे। उसके बाद परीक्षा का दिनांक जो भी रहेगा आप सभी लोग यहाँ पर फिल करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर प्रश्न पत्र कोड, जैसे यहाँ पर जो है प्रश्न पत्र का कोड दिया हुआ है ये, इसको यहाँ पर फिल करेंगे। यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद प्रश्न पत्र का नाम, यहाँ पर प्रश्न पत्र का नाम दिया हुआ है इसको यहाँ पर फिल करेंगे।
फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, इसको फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप सभी लोग परीक्षार्थी के पूर्ण हस्ताक्षर को यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर अपना सिग्नेचर बनाएंगे। इस वाले सेक्शन में आप सभी लोगों को कुछ नहीं फिल करना है, क्योंकि यहाँ पर जो है जिनका गाड़ी आपके एग्जामिनेशन हॉल में लगा होगा उनका सिग्नेचर यहाँ पर होगा। उसके बाद यहाँ पर आएंगे सेकंड पार्ट में, यहाँ पर भी आपसे क्लास पूछा जाएगा, जो भी आपका क्लास हो। उसके बाद पाठ्यक्रम का वर्ष लिखेंगे यहाँ पर, फर्स्ट ईयर फर्स्ट, फिर सेमेस्टर में फर्स्ट। उसके बाद विषय जो भी होगा, प्रश्न पत्र का कोड यहाँ पर फिर से फिल करेंगे। उसके बाद प्रश्न पत्र का नाम फिल करेंगे, उसके बाद परीक्षा की तिथि यहाँ पर पाली फिर से फिल करेंगे। यहाँ पर मैं एक चीज़ भूल गया था, यहाँ पर प्रश्न पत्र संख्या में केवल एक फिल करेंगे। यहाँ पर प्रश्न पत्र कैसे में आप सभी लोगों के जो पेपर रहेगा इसमें जो नंबर दिया हुआ है इसको यहाँ पर फिल करेंगे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी प्रश्न पत्र संख्या में एक फिल करेंगे, कैसे में इसी नंबर को फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप सभी लोग कॉपी को पलटेंगे, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से कॉपी मिलेगी। यहाँ पर कॉपी में आप सभी लोग देखेंगे तो एक तरफ लाइनिंग जो रहेगी वो ऑलरेडी पहले से ही खींची हुई रहेगी, यहाँ पर दूसरे तरफ आप सभी लोग लाइनिंग खींचेंगे। उसके बाद आप सभी लोगों को क्वेश्चन पेपर में देखना है, यहाँ पर क्वेश्चन पेपर में सेक्शन ए में देखेंगे, यहाँ पर 10 क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पर एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 नंबर दिए जाएंगे, टोटल नंबर यहाँ पर 30 नंबर हो जाएगा। यहाँ पर वेरी शॉर्ट मतलब अति लघुतरी प्रश्न में आप सभी लोगों को 50 शब्दों में आप सभी लोग अपना उत्तर लिखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद यहाँ पर सेक्शन बी में आएंगे, यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन करना होगा, यहाँ पर एक क्वेश्चन के लिए आपको 6 नंबर दिए जाएंगे, यहाँ पर टोटल नंबर 24 नंबर हो जाएगा। यहाँ पर भी जो है ये लघुतरी प्रश्न है, इसमें आपको 200 शब्दों में आपका अपना उत्तर लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद यहाँ पर सेक्शन सी में, यहाँ पर केवल आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे, यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है 10.5 नंबर का होगा, यहाँ पर टोटल आपका 21 नंबर का हो जाएगा। यहाँ पर दीर्घोत्तरीय, दीर्घोत्तरीय में आपको जो है शब्द सीमा जो है यहाँ पर 500 शब्दों में आप अपना उत्तर लिखेंगे। यहाँ पर आपसे लोग अपना उत्तर लिखने के लिए यहाँ पर आपसे लोग यहाँ पर आएंगे पहले पेज पर, उसके बाद यहाँ पर सेक्शन ए या खंड आ लिखेंगे। यदि आप हिंदी में लिख रहे हैं तो खंड आ, अगर आप सभी लोग बीएससी वाले हैं इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो यहाँ पर सेक्शन ए डाल करके आगे लिखिएगा। यहाँ पर आप सभी लोगों को प्रयास करना है, इसमें अति लघुतरी प्रश्न में आप सभी लोगों को एक पेज में कम से कम 2 आंसर लिखना है। उसके बाद आप सभी लोग शॉर्ट टाइप मतलब लघुतरी प्रश्न में जाएंगे, एक पेज में आपको एक क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा, और जो है दीर्घोत्तरीय प्रश्न का उत्तर जो लिखेंगे आप सभी लोग कम से कम 2 या 3 पेज में लिखेंगे। जो है आपका 500 सबसे ज़्यादा नहीं मतलब कम नहीं रहना चाहिए, उससे ज़्यादा ही रहेगा। पूरी कॉपी लिखने के बाद भी आप सभी लोगों को जो है यहाँ पर UIN नंबर और यहाँ पर अपना रोल नंबर फिर से मैच कर लेना है अपने एडमिट कार्ड से, क्योंकि यहाँ पर आप कितना भी अच्छा कॉपी आप लिख लें अगर आपका रोल नंबर या UIN नंबर नहीं सही है तो यहाँ पर आपका जो मार्क्स है वेबसाइट पर नहीं अपलोड होगा, तब आपके रिजल्ट में जो है प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए आप सभी लोग अपना जो है पूरा डेटा फिर से चेक कर लीजिएगा। यदि आपको कुछ ना समझ में आया हो तो आप सभी लोग कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का उत्तर देने का प्रयास करूँगा। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कीजिएगा जो फर्स्ट सेमेस्टर में है, इस बार उनको भी पता चल सके कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में कुछ इस प्रकार से कॉपियाँ आप सभी को देखने को मिलेंगी, यहाँ पर देख सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।